इन बैलों की जोड़ी का शॉट लेने के लिए मैं बैक साइड से आया हूं ताकि एक शॉट वो भी दिखा सकूं कि स्टार्टिंग से कैसे बैल निकाले जाते हैं। ये बैल देख लो, साथ ही इन्होंने सवार को नीचे गिरा। बैल एकदम निकले हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर भागना शुरू कर दिया और उनके पीछे दूसरी जोड़ी भी इसी तरीके निकली, निकलते ही आउट होगी और साथ ही इन्होंने बंदे को नीचे दे दिए। हर तरीके से जा रहे हैं और सवार को देखे इन्होंने अपने साथ, हमारे पास से होकर निकली है यार, सीधा मेरी तरफ है और यार बहुत बहुत करीब से निकला ये मेरे पास। मान रखी दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं हूँ अफराज अली और आप देख रहे हैं मेरे चैनल सैयद अफराज अली। आज बैलों की दौड़ है, छोटे बैलों की दौड़ है। आज मैं शेखपुर में फिर दोबारा खड़ा हूँ। आज आपको दिखाते हैं कि छोटे बैल दौड़ते कैसे हैं। शायद मुझे इतना वक्त ना मिल सके कि दोबारा मैं अपनी वीडियो बीच में बना सकूँ, लेकिन जो भी वीडियो बन रही है उसी को गनीमत जाने। उसके बाद क्योंकि छोटे बैल जब दौड़ते हैं तो वो ऐसे दौड़ते हैं कि वो कहीं खड़े होने का मौका नहीं देते, इसलिए जाते हैं वीडियो वाली साइड पे डाल के बीच में जाके देखते हैं कि बैल कैसे हैं। जी ये सबसे पहले बैल तैयार हैं और इनको दोनों बैलों को जोड़ के पंजाली डाल दी है और अब कड़ा के ऊपर सवार बैठने को तैयार है। और ये देखें बिल्कुल ही तैयारी है, देखें किसी लम्बे पे भी अब ये बैल छोड़े जाएंगे और ये बैल निकाल दिए इन्होंने। ये कितनी दूर तक जाते हैं और ये साथ ही आउट हो गए। ये नई जोड़ी निकला ये साथ ही और बैलों का साइज़ आप देख सकते हैं कि बैल बहुत छोटे हैं और इनकी डायरेक्शन बता रही है कि ये सीधे जाएंगे क्योंकि सवार दोनों को प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं दोनों बैलों को। और ये एंड लाइन के पास पहुंच चुके हैं और इन्होंने अपनी लाइन पूरी कर ली है और साथ ही एक और जोड़ी आ गया मैदान के बीच में। इनको भी इनका सवार बड़ी सफाई के साथ और बड़ी महारत के साथ चला रहा है। ये ज़िगज़ैग में जा रहे हैं, कभी दाएं हो रहे हैं कभी बाएं हो रहे हैं, लेकिन कुछ वन बड़े अच्छे तरीके से इनको चला रहा है इनका जो सवार है। और ये एंड पे आउट हो, ये एक और नई जोड़ी आई है और इनका सवार ने पीछे से बड़े बेहतरीन तरीके से चुक्के देने शुरू किए हैं। अब देखें कि ये कहां तक जाता है सवार अपने बैलों को ले कर, क्या ये जीत पाता है या नहीं जीत पाता, क्या ये लाइन क्लियर करता है या नहीं। पीछे पीछे बाकी बंदे भी बंदर की तरफ भाग रहे हैं और इसने लाइन क्लियर कर ली है और ये नई जोड़ी आई है और इनके तेवर शुरू से ही कोई ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं और ये साथ ही लाइन से आउट हो गए हैं। लेकिन आउट होने के बाद भी ये लगातार भागते जा रहे हैं और इनके मालिक जो हैं वो पीछे इनके भाग रहे ताकि इनको संभाल ले। और ये जोड़ी निकलते हैं सारी दाएं साइड पे इस तरह मुड़ गए जिस तरह ये इसराइली पर अटैक कर रहे हैं और ये साथ ही लाइन से आउट हो गए हैं और ये सीधे इसराइली जा कर रुकेंगे ताकि फ़लस्तीन को आज़ाद करा सकें, क्योंकि इनकी रफ्तार बता रही है कि ये सीधे इसराइल ही जा रहे हैं अब और ये लाइन से आउट हो गए हैं, अपनी रेस पूरी कर रहे हैं। ये नई जोड़ी निकली और इसके मालिक ने काफ़ी देर तक इसका साथ दिया है आगे चलाने के बीच में और कछवान भी बड़ी महारत से इसको चला रहा है। जो इसकी लाइन ऑफ लेंथ है वो देख के अंदाज़ा होता है कि ये बैल इंशाल्लाह लाइन पूरी करेंगे और इन्होंने लाइन पूरी की। अब इनके टाइम की बात आती है कि टाइम इनका कितना है, क्या नंबर लेते हैं या नहीं। इन बैलों की जोड़ी का शॉट लेने के लिए मैं बैक साइड से आया हूं ताकि एक शॉट वो भी दिखा सकूं कि स्टार्टिंग से ये कैसे बैल निकाले जाते हैं। और अब ये बैलों को निकालेंगे और ये बैल निकले हैं और ये टेढ़े सीधे जा रहे हैं और डैट मीन्स के ये अपनी लाइन पूरी यकीनन नहीं करेंगे और ये साथ ही लाइन से आउट होके बाहर निकल गए। ये बैल देख लो, साथ ही इन्होंने सवार को नीचे गिरा दिया। सवार का प्रोग्राम तो यकीनन बढ़ गया और ये बैल पिंडाल में इस तरीके से फिर रहे हैं जैसे कि यहाँ पे ये दमाल डाल रहे हैं और लुडी डाल रहे हैं। ये एक और जोड़ी निकली है और जैसा कि आपने देखा है कि इन्होंने अपने साथ एक बंदे को नीचे गिराया है। छोटे बैलों की दौड़ के बीच में यही सबसे ज़्यादा मज़े की बात होती है कि ये भागते कम है और तांग ज़्यादा करते हैं और लोगों को नुकसान ज़्यादा पहुँचाते हैं क्योंकि इनको ट्रेन तो नहीं किया होता, ये इनकी ट्रेनिंग का पहला मरला होता है। अब बिल्कुल एंड में जा कर ये बैल बाहर निकल, जैसा मैं आपको बता रहा था कि शुगल मेला होता है इन छोटे बैलों की दौड़ में। ये देखें कि ये बैल एकदम निकले हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर भागना शुरू कर दिया और उनके पीछे दूसरी जोड़ी भी इसी से निकल आई है। ये भी लेफ्ट साइड में उनके पीछे पीछे भागती हुई आ रही है। ये एक मजाकिया सा सीन होता है इसके बीच में जो ख़तरनाक भी होता है काफ़ी ज़्यादा। ये नई जोड़ी आई है और इसके पीछे लोग काफ़ी ज़्यादा वाजें निकाल रहे हैं, रोड डाल रहे हैं और चुप्पा भी बड़े बेहतरीन तरीके से सवार इनको दे रहा है। और अब देखते हैं कि ये लाइन अपनी पूरी करते हैं या नहीं करते क्योंकि नहीं ये आउट हो चुके हैं। जी ये नए बैल निकले हैं और उनका शुरू से ही झुकाव जो है ना वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है और बिल्कुल लाइन के कॉर्नर पे ये भागते जा रहे हैं और यकीनन कि आउट हो जाएंगे, इन पे जोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं हमें और ये आउट हो चुके हैं। ये नई जोड़ी निकली है और हालात तो इनके काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं ये आउट होते हैं ये आगे जाते हैं, जा तो रहे हैं एंड दे आर आउट।
एक और जोड़ी आई है मैदान के बीच में और ये भागते जा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही टेढ़े टेढ़े जा रहे थे और आउट हो गए। और ये एक जोड़ी निकली है जो बहुत ज़्यादा उतावली थी और बगैर सवार के ये जोड़ी निकल आई है और निकलते ही साइड मार गई है। ये नई जोड़ी आई है और ये भी भागते जा रहे हैं और ये आवाम के ऊपर चढ़ने की कोशिश में थे, लेकिन लोगों की किस्मत अच्छी है जो बच गए हैं और बैल दौड़ से आउट हो चुके हैं, लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ। ये नई जोड़ी निकली और निकलते ही आउट हो गई और साथ ही इन्होंने बंदे को नीचे दे दिया, लेकिन आगे आप भागते जा रहे हैं। खैर लाइन से आउट हो गए हैं, ये खेल से भी आउट हो गए हैं। बैलों की बैक साइड पे खड़े होकर शॉट लेने का एक अपना ही मजा है, क्योंकि आपको डर नहीं होता कि बैल आप पे चढ़ेंगे। और ये नई जोड़ी जो निकली है ये फिलहाल तो आड़ी टेढ़ी होके जा रही है और ये आउट हो गई, आउट हो गई। ये एक नई जोड़ी निकली है और ये बड़े ख़तरनाक तरीके से जा रहे हैं और सवार को देखें, इन्होंने अपने साथ घसीटा हुआ सवार बेचारा बड़ी मुश्किल से अपने आप को काबू कर सका है, लेकिन ये आगे जाके सवार काबू नहीं कर सका, बैल भी आउट हो गए हैं, हार चुकी है ये जोड़ी। ये तो दोस्तों नई जोड़ी निकलते ही ये लेफ्ट साइड पे आउट हो चुकी है और आवाम की तरफ दौड़ती जा रही है ये जोड़ी। और साथ ही एक और जोड़ी निकली जिसने इसकी सुन्नत पूरी की है और ये भी लेफ्ट साइड पे निकली, लेकिन थोड़ा सा आगे आके ये आउट हुए हैं और अपने सवार को भी उन्होंने उतार दिया। और ये एक बड़े मज़े की बात है कि आउट होकर ना ये जोड़ियाँ फिर बड़े मज़े से सीधी सीधी भाग रही होती हैं। नई जोड़ी का शॉट लेने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, या तो ये जोड़ी तैयार नहीं थी या ये लोग तैयार नहीं थे, इसलिए ये आउट हो गए हैं। ये जो नज़ारा आपको इस जोड़ी के साथ नज़र आ रहा है, ये नज़ारा आपको अक्सर देखने में मिलेगा जब नए बैल दौड़ते हैं तो उनका मालिक काफ़ी दूर तक एक अदद बैल को लाइन ऑफ लेंथ सीधी रखने के लिए साथ लेके चलता है ताकि बैल सीधे दौड़ें, और ये वक्ती तौर पर तो सीधे जा रहे हैं। ये खेल हमारे पठवार का एक ऐसा खेल है कि जिसके पीछे लोग दीवाने हैं। आप देख रहे हैं ना लोगों को कि काफ़ी काफ़ी दूर से लोग आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग खड़े हुए हैं बैलों की दौड़ देखने के लिए, और ये जो नई जोड़ी जा रही है फिलहाल तक तो सीधी जा रही है और आगे ये क्या करती है देखेंगे। जी ये नई जोड़ी निकली है मैदान के बीच में और इनका झुकाव थोड़ा सा राइट साइड पे है और लोग इनको साइडों से धक्के दे रहे हैं समझो एक किस्म के, और इनको लाइन में रख रहे हैं और ये बैल भी दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। और इनके पीछे एक और जोड़ी निकल आई है जो कि इतने तावले थे कि बगैर अपने सवार के ये निकले हैं और ये बिल्कुल सीधे ही जा रहे हैं बगैर सवार के, और ये आउट हो गए ये वाले भी। ये नई जोड़ी निकली और ये सीधी मेरी तरफ ही आई है और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही, मैं भी भाग रहा हूँ और ये हमारे पास से होके निकली है यार। ये एक और जोड़ी निकली है और आउट तो ये हो चुके हैं, लेकिन माशाल्लाह बैल हैं बहुत खूबसूरत हैं यार। एक नई जोड़ी निकली है और इसका रुख सीधा मेरी तरफ है और यार बहुत बहुत करीब से निकला ये मेरे पास से। ये एक नई जोड़ी निकली है, इसका रुख भी सीधा मेरी तरफ है, लेकिन अब की बार मैं छलांग मार के पीछे हटाऊं और क्योंकि ये अभी ऊपर चढ़ते हैं तो लगती बहुत जोर की है। ये नए बैल निकले हैं और ये भी आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ ही मुड़े हैं, लेकिन मुझसे थोड़ा दूर थे, फासले पे थे और इनसे बचत हो गई है, लेकिन ये भी आउट हो चुके हैं। ये बैल शुरू से कोई छलांगे मार रहे हैं और मस्ती में काफ़ी ज़्यादा, और ये आउट हो चुके हैं और देखते हैं अब वाम पे चढ़ते हैं या नहीं, लेकिन अगले बैलों को देखें आपके, ये बैल भी शुरू से ही कुछ शरारतें शुरूतें कर रहे हैं और ये भी आउट हो चुके हैं मैदान से निकलते सारी और आवाम के बीच में भगदड़ मचाते हुए जा रहे हैं आगे। ये बैल भी निकले और इनकी डायरेक्शन भी सीधी मेरी तरफ ही लग रही है, लेकिन ये पास से होके गुजर गए हैं और मैं बच गया हूँ, ये आउट हो चुके हैं बैल, लेकिन मैं बच चुका हूँ भाई। ये नई जोड़ी तैयार की है और ये नई जोड़ी निकलते ही कुछ उन नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और उन्होंने इनकार कर दिया दौड़ने से, दौड़ भी जारी है लेकिन मैं घबरा के पीछे हट रहा हूँ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।